Hello, students. Let's continue with our 7th standard science, third lesson that is properties of natural resources. In our last video, we have studied about properties of water. In this video, we will study about soil. Let's recall first what is meant by soil? How is soil formed? Answer is Soil makes land. The process of soil formation takes place at a very slow pace. It is a natural process in which heat, cold, and rainwater cause withering of the bedrock. Then, withering forms stones, sand, smaller particles of soil, etc., from the original rock. माइक्रोब्स वर्म्स इंसेक्ट and rodents also एक्ट as वेदरिंग एजेंट्स इन this way soil is continuously and slowly फॉर्म तो सॉइल की वजह से लैंड बनता है सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो गोइंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हीट कोल्ड एंड रेन वाटर जो होता है वो बेड रॉक का विदरिंग करते हैं और विदरिंग कर करने के बाद उससे बनते हैं स्टोन्स सैंड स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल माइक्रोब्स वर्म्स इंसेक्ट एंड रोडेंट ये भी यूज होते हैं वेदरिंग के लिए इसी तरह सॉइल जो है वो एक स्लोली एंड कंटिन्यूस फॉर्म होती है सेकेंड क्वेश्चन वट आर द इनग्रीडियंट्स ऑफ सॉइल सॉइल कंटेन्स अ बायोटिक कंस्टिट्यूंट सच एस स्मॉलर पार्टिकल सैंड रॉक स्टोन्स एक्सेट्रा वर्म्स इनसेक्ट रोडेंट्स एंड माइक्रोब्स आर द बायोटिक कंसिटुएंट ऑफ द सॉयल तो सॉइल के कौन से इन्ग्रीडियंट्स होते हैं तो सॉइल में अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों कंसिटूंट्स प्रेजेंट होते हैं अबायोटिक कंस्टुेंट्स में स्मॉलर पार्टिकल्स सच एज सैंड रॉक स्टोन्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं एंड बायोटिक कंसिटूंट में वर्म्स इंसेक्ट रोडेंट्स एंड माइक्रोब्स नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल कलर इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल The soil gets its color as a result of several processes. The color of soil near land surface is darker than the color of the lower layers. Soil may be of different colors such as black, red, copper, yellow, and gray. तो सॉइल की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसका कलर सॉइल को उसका कलर मिलता है डिफरेंट प्रोसेसेस होने के बाद सॉइल जो लैंड के पास होती है नियर होती है वो डार्कर कलर में होती है और लोअर लेयर्स की सॉइल का कलर लाइटर होता है सॉइल डिफरेंट कलर्स में आती होती है जैसे कि ब्लैक रेड कॉपर येल्लो एंड ग्रे द कलर ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड तो सॉइल के कलर सॉइल का कलर जो है वो यूज़ होता है सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए इसके अलावा सॉइल की डिफरेंट जो प्रॉपर्टी होती है लैंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं सॉइल के कलर के हिसाब से इन दिस वे द प्रॉपर्टीज ऑफ़ द सॉइल सच एज इट्स फर्टिलिटी ड्रेनेज ऑफ वाटर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर बिकम क्लियर फ्राम इट्स कलर और इसी तरह सॉइल के कलर की वजह से सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि फर्टिलिटी ड्रेनेज ऑफ वाटर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर क्लियर हो जाती है द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन इट्स टेक्चर एंड इट्स ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स एज वेल एज ऑन केमिकल इन्ग्रीडियंट्स लाइक आयरन और लाइन द सॉइल का कलर जो है वो डिपेंड होता है उसके टेक्सचर के ऊपर और उसमें जो भी ऑर्गेनिक या केमिकल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर दिस अपैरेटस थ्री मेजरिंग सिलेंडर्स थ्री ग्लास फनेल्स फिल्टर पेपर वाटर फाइन सैंड कोर्स सैंड सॉइल फ्रॉम एन अर्दन पॉट यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एक्सेट्रा

फॉर वन टेस्ट वाटर एक्टिविटी में क्या करना है थ्री ग्लास मेजरिंग सिलेंडर्स लेने हैं उसमें थ्री ग्लास फनल्स डालने हैं फनल्स में कौन शेप बना के फिल्टर पेपर डालने हैं फर्स्ट फिल्टर पेपर में डालना है सैंड सेकेंड वाले में डालना है सैंडी सॉइल थर्ड वाले में डालनी है क्ले उसके बाद वो फिट करना है मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर फिर हर एक कोनिकल फ्लास्क में या हर एक फनल में हम लोग को एक एक टेस्ट ट्यूब वाटर डालना है उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि कौन से वाले मेजरिंग सिलेंडर में कितना पानी कलेक्ट होता है तो क्या इंफ्रेंस लगा सकते हैं हम लोग कि वाटर विल ड्रेन क्विकली थ्रू सैंड देन थ्रू सैंडी सॉइल एंड लीस्ट थ्रू क्ले सबसे ज्यादा पानी हम लोग को सैंड वाले मेजरिंग सिलेंडर में मिलेगा फिर सैंडी सॉइल वाले मेजरिंग सिलेंडर में एंड लास्टली सबसे कम क्ले वाले मेजरिंग सिलेंडर में मिलेगा। नेक्स्ट सॉइल टेक्सचर सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द वेरियस साइजेस इन इट फॉलोविंग द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्स्टर तो सॉइल में अलग अलग पार्टिकल साइज होती है या अलग अलग साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो टेक्सचर है वो डिटरमाइन होता है कि उसमें कौन से साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से सॉइल के थ्री टाइप्स होती है जैसे कि सैंडी सॉइल सिल्ट सॉइल एंड क्ले सॉइल फर्स्ट वन सैंडी सॉइल द प्रपोर्शन ऑफ सैंड दैट इज लार्ज पार्टिकल्स इज हाई इन सैंडी सॉइल वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल इट इज ईजी टू प्लो दिस सॉयल तो जो प्रपोर्शन होता है सैंड का यानी कि लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो सैंडी सैंडिस में ज्यादा होते हैं जिसके वजह से वाटर रैपिडली ड्रेन होता है उसमें से और उसमें फ्लो करना ईजी होता है बट इट इज लेस फर्टाइल लेकिन वो कम फर्टाइल होता है दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी ऑयल आर मेड अप ऑफ द मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड मीन्स कॉट्स दिस पार्टिकल्स डो नॉट डिजोल्व इन वाटर एंड देअ फोर दॉइल हैज वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स तो ये किसके वजह से होता है कि वो लेस फर्टाइल होता है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं मिनरल से वो मिनरल का नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको कॉड्स भी बोला जाता है ये जो पार्टिकल्स है वो, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते और जिसके वजह से सॉइल जो है उसमें लेस कैपेसिटी या लिटिल कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने की सेकेंड वन सिल्ट सॉइल The particles of silt soil are of medium size. Silt soil is not as प्लोएबल as sandy soil. तो silt सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं और जितनी सैंडी सॉइल प्लोएबल होती है उतनी silt सॉइल प्लोएबल नहीं होती However, इट इज मच मोर प्लोएबल देन क्ले सॉइल लेकिन क्ले सॉइल से वो ज्यादा प्लोएबल होती है दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो प्रपोर्शन या कंटेंट है वो ज्यादा होता है इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज मच ग्रेटर और न्यूट्रिय सप्लाई करने की उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है सिल्ट सॉइल इज आल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल सिल्ट सॉइल को सेडिमेंट्री सॉइल भी बोला जाता है थर्ड वन क्ले सॉइल इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मैक्सिम और ये सॉइल में जो स्मॉल पार्टिकल्स का प्रपोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच और जब भी हम लोग उसको टच करते हैं वो हम लोग के हाथ को फील जो होता है वो स्मूथ होता है क्ले सॉइल है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है कम्पेयर टू सैंडी सॉइल एंड सिल्ट सॉइल यूज योअर ब्रेन पावर वाइट इज इट डिफिकल्ट टू प्लो क्ले सॉइल क्ले सॉइल को प्लो करना डिफिकल्ट क्यों होता है इन क्ले सॉइल द प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सॉइल इज मोर द इज टू सॉफ्ट द लॉगिंग अकर्स इन दिस सॉइल वेरी क्विकली इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्लो क्ले सॉइल तो क्ले सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा होता है और वो सॉफ्ट भी होती है जिसके वजह से उसमें से वॉटर लॉग जो है वो इजिली होता है इसलिए वहां पे प्लो करना डिफिकल्ट होता है सेकेंड वन वाई इज इट इजी प्लो करना क्यों इजी होता है प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इज वेरी हाई ड्यू टू दिस वॉटर ड्रेन रेपिडली थ्रू सेंडी सॉइल दिस पार्टिकल डो नॉट डिजॉल्व इन वॉटर एंड कैन बी इजिली शव फल थ्रू प्लोइंग सेंडी सॉइल इज इजी फॉर प्लोइंग सेंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा होता है जिसके वजह से उसमें से वॉटर इजिली ड्रेन होता है और इस ये जो पार्टिकल्स है वो वाटर में इजीली डिजोल्व नहीं होते जिसके वजह से फ्लोइंग करते वक्त वो जो पार्टिकल्स है वो आसानी से शफल कर सकते हैं इसलिए सैंडी सॉइल में फ्लो करना ज्यादा इजी होता है थर्ड वन व्हाट इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सिल्ड सॉइल सिल्ड सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है द पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट इज मीडियम इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंटरी सॉइल एज इट हैज रिच कंटेंट ऑफ सेडिमेंट एंड ऑर्गेनिक मटीरियल ऑल दिज फैक्टर्स हेल्प सिल्ड सॉइल टू होल्ड वाटर सिल्ड सॉइल में पार्टिकल की साइड जो होती है वो मीडियम होती है उसमें बहुत ज्यादा अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको सेडिमेंटरी सॉइल बोला जाता है क्योंकि उसमें रिच कंटेंट होता है सेडिमेंट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल का और ये सारे फैक्टर्स की वजह से सिल्ड सॉइल जो है वो इजीली या ज्यादा अमाउंट में वाटर होल्ड कर सकती है Fourth one, which soil is suitable for cultivation and why? Cultivation karne kele soil suitable hoti hai or q. The mixture of clay soil, little sandy soil and some silt soil is suitable for cultivation. Clay soil has high water holding capacity. Silt soil is rich in organic matter, sandy soil helps in plowing. If to this mixture organic fertilizers are added, then the soil provides water and minerals to the growing crop. तो अगर हम लोग ने क्ले सॉइल सैंडी सॉइल एंड सिल्ट सॉइल का मिक्सचर किया तो वो अच्छा होता है कल्टीवेशन के लिए क्यों क्योंकि क्ले सॉइल जो है उसमें उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है सिल्ट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ज्यादा अमाउंट में एंड सैंडी सॉइल प्लोइंग करने के लिए यूज होती है नेक्स्ट सॉइल स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द पार्टिकल इन इट सॉइल अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉल्यूमिनार लेमिनार ग्रेन्यूलर एज वेल एज ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड होता है उसमें जो पार्टिकल्स है उसके शेप के हिसाब से तो सॉइल फॉर्म्स लाइक कॉल्यूमनर लेमिनार ग्रेन्यूलर एज वेल एज ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन सॉइल स्ट्रक्चर द एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एस फॉलोस तो अभी सॉइल स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है तो so, फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो डिपेंड होती है सॉइल के स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे कि फर्स्ट रूट्स गेट अ सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड वाटर ड्रेनेज इज गुड डे फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो वेल तो फर्स्ट एडवांटेज है कि रूट्स को सफिशियंट सप्लाई मिलता है ऑक्सीजन का एंड सेकेंड वाटर ड्रेनेज जो है वो गुड होता है जिसके वजह से रूट्स ऑफ प्लांट जो है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ सॉइल फर्स्ट वन प्लांट कंजर्वेशन टू हेल्प प्लांट ग्रो तो सॉइल का यूज क्या होता है प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए या वो अच्छी तरह से हेल्प करते हैं ग्रो करने में सेकेंड वाटर कंजर्वेशन सॉइल होल्ड्स वाटर एज अ रिजल्ट बाई मींस ऑफ बर्ड्स एंड लेक्स वी कैन गेट वाटर फॉर यूज थ्रू आउट द ईयर तो वाटर भी कंजर्व होता है क्यों क्योंकि तो सॉइल जो है वो वाटर को होल्ड करता है और जिसके वजह से वो हम लोग पूरे साल में वाटर का यूज कर सकते हैं थर्ड वन इज प्लास्टिसिटी कोई भी शेप दे सकते हैं हम लोग और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग सॉइल का यूज करके डिफरेंट आर्टिकल्स बना सकते हैं डिफरेंट शेप्स के दिस आर्टिकल्स कैन बी बेक टू मेक देम हार्ड वाटर स्टोरेज अर्थन पॉट्स अर्थन लैम्प आइडल्स ब्रिक्स एक्सेट्रा आर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम सॉइल और इसी आर्टिकल को हम लोग बाद में बेक करके उसको हार्ड बना सकते हैं जो उसका स्ट्रेंथ है वो हार्ड कर सकते हैं और जिसके वजह से हम लोग उसमें वाटर भी स्टोर कर सकते हैं जैसे कि अर्दन पॉट्स होते हैं वाटर स्टोर करने के लिए उसके बाद अर्दन लैम्प होते हैं जिसको दिए बोलते हैं उसके बाद आइडियल स्टेच्यूज ब्रिक्स होती है वो बनाते हैं हम लोग सॉइल से सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल फर्स्ट वन चाइना क्ले जिसको केओलिन भी बोला जाता है इट इज व्हाइट इन कलर इट इज यूज टू मेक क्रॉकरी बाथरूम टाइल्स टैंक्स लेबोरेटरी अपराटस मास्क जार एक्सेट्रा तो फर्स्ट टाइप है चाइना क्ले जो व्हाइट कलर की होती है और उसका यूज होता है क्रॉकरी मतलब किचन के कांच के मटेरियल क्ले के मटेरियल बनाने में देन बाथरूम टाइल्स टैंक्स लेबोरेटरी अपाराटस मास्क जार एक्सेट्रा सेकेंड वन शाडू सॉइल इट इज वाइटिश इन कलर इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टेचूस एंड आइडल सेकेंड टाइप है शाडू सॉइल जो भी व्हाइट कलर की होती है और उसका यूज होता है स्टेचूस एंड आइडल्स बनाने में थर्ड वन टकोट्टाइयल जिस सॉइल इज रेड इन कलर डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल थर्ड टाइप पे है टेराकोट्टा सॉइल जो रेड कलर की होती है और जिससे डेकोरेटिव आर्टिकल्स और पॉट बनाए जाते हैं फोर्थ वन इज मुल्तानी सॉइल दिस सॉइल इज यूज इन कॉस्मेटिक मुल्तानी सॉइल और जो यूज होती है कॉस्मेटिक्स में टाइप केलोनिपॉन ही दिसल अक्वायर्स अ ग्लेज एंड हार्डनेस एंड डेयर फोर इट इज यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरी तो चाइना क्ले जो है उसको उसमें एक इंडस्ट्रियल मटेरियल मिनिरल होता है केटेरियल का यह टाइप का जो बन जो मिलता है हम लोग को चाइना में और जिसको बोला जाता है चाइना क्ले हिट करने के बाद वो सॉइल के ऊपर ग्लेज ग्लेज यानी कि शाइन आती है वो हार्ड बनता है और जिसके वजह से वो यूज होता है क्रॉकरी बनाने में नेक्स्ट सॉइल टेस्टिंग द प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग करने के बाद सॉइल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है उसका क्या प्रोपोर्शन है या कंटेंट है वो हम लोग पता कर सकते हैं During soil testing, the soil is examined for colour, texture and the proportion of organic matter in it. So soil testing karte vak, soil ko examined jata hai, test jata hai uske colour, texture ke liye, and usme kitna organic matter present. Hai uske liye. Soil is tested to find out if there is a deficiency of any ingredients and to decide what measures should be taken to remove the deficiency. तो सॉइल टेस्टिंग क्यों किया जाता है क्योंकि हम लोग को पता चल सके कि सॉइल में कौन से इंग्रेडिएंट्स की है यानी कि कम कमतरता है तो उस हिसाब से कोई भी मेजर्स लेके या कौन से मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो डिफिशियंसी रिमूव हो उसके लिए सॉइल टेस्टिंग की जाती है द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज ड्राइड इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर एट टू टेन डेज इट इज देन शिफ्टेड थ्रू अ

फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन योर फील्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट टेस्ट, टेस्ट so, हम लोग भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग के फील्ड के सॉइल की क्या फर्टिलिटी है अलग अलग टेस्ट करके ग्रेट साइंटिस्ट डेनिश साइंटिस्ट सोरेन्सन पुट फोर दी एच बेस्ड ऑनसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयनिश साइंटिस्ट है वो बताया और पीएच वाला कंसेप्ट मतलब क्या है कि सॉइल में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयंस का द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल इन द प्रोपोर्शन वन इज टू टू इज टेकन एंड टेस्टेड यूजिंग सेवरल इंडिकेटर तो सॉइल का पीएच चेक करने के लिए सॉइल एंड वाटर का वन इजू टू प्रपोर्शन में एक मिक्सचर लिया जाता है और फिर उसमें सेवरल इंडिकेटर्स डाल के टेस्टिंग किया जाता है अकॉर्डिंगली सॉइल में बी फाउंड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स सॉइल का पीएच जो है वो बेसिकली थ्री टाइप में दिखाई देगा हम लोग को फर्स्ट वन एसिडिक सॉइल जिसका पीएच लेस देन 6.5 होता है सेकेंड वन इज न्यूट्रल सॉइल जिसका पीएच 6.5 टू 7.5 में होता है Third one is alkaline soil, जिसका pH higher होता है 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 से. का रिड्यूस तो क्या रीजन हो गया सॉइल की फर्टिलिटी कम होने के पीछे फर्स्ट वन सॉइल पी एच लेस देन सिक्स और हायर देन एट अगर सॉइल का पी एच सिक्स से कम हुआ और एट से हायर हुआ तो जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है सेकेंड कॉज इज लो प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कम हुआ तो भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है थर्ड वन नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर अगर वाटर का ड्रेनेज वहाँ से अच्छे से नहीं हुआ तो भी होती है रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ द सेम क्रॉप अगर एक ही फील्ड में या एक ही सॉइल में लगातार मतलब हर साल अगर सेम क्रॉप का कल्टिवेशन किया तो भी रिड्यूज़ होती है फिफ्थ वन कंटिन्यूस यूज ऑफ सलाइन वाटर सलाइन वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर का यूज किया तो होता है

कल्टीवेट करने के लिए क्रॉप शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए जो है वो रोटेटिंग मैनर में लगाने चाहिए फॉर एग्जाम्पल द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ विट तो विट को हार्वेस्ट करने के बाद लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है हेंस लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक पीनट मूग मोदी पी लेंटिल बेंगाल ग्राम सोयाबीन शुड बी कल्टिवेटेड टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल तो एक साल अगर वीट लगाया तो वीट लगाने के वजह से लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है जिसके वजह से हम लोग को नेक्स्ट ईयर वहाँ पे लेग्यूमिनस क्रॉप लगाने चाहिए जैसे की पीनट मुग मोतबिन पी लेंटिल, बेंगाल ग्राम सोयाबीन लगानी चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी फिर से रिस्टोर हो वर्ल्ड सॉइल डे फिफ्थ डिसम्बर टू मेक एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल तो फिफ्थ दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड सॉइल डे ताकि हम लोग एफर्ट कर सके मेहनत कर सके सॉइल को कंजर्व करने के लिए थैंक यू